नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मयंक शर्मा पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने इस यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की साइंस विषय की एक सीरीज चलाई हुई है और उस सीरीज की हम लोगों ने 6 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर भौतिक जगत व मापन और उसके जो प्रश्न थे वे सारे कंप्लीट कराए हुए हैं। पहली 3 वीडियो में वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है और अगली 3 वीडियो में उसके सारे जितने भी क्वेश्चन संभव थे सारे के सारे कराए हुए हैं। आज उस यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के साइंस की सीरीज का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको आज इस वीडियो में पढ़ाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया संदेश होगा, तो इसलिए जरूर वीडियो को एंड तक देखें। बिना किसी देरी के हुए करते हैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट। चलिए, जो आज का टॉपिक है वो है, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठ जाएं और इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग सारा पेपर यही क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बहुत थोड़ा पढ़ा रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण पढ़ा रहे हैं। उद्देश्य आपको साइंटिस्ट बनाना नहीं है, उद्देश्य ये है कि आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करें और उसे क्रैक करने में हम आपकी सहायता करें। चलिए, बिना किसी देरी करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है शुद्ध गति की, यानी कि काइनेमेटिक्स। अब इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। इस चैप्टर को हम लोगों ने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करूं तो पार्ट नंबर फर्स्ट का नाम है ऋजु रेखीय पथ पर गति। आप भी अपनी कॉपी में जो का तो ऐसे ही डालना। पार्ट नंबर सेकंड का नाम है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि ये यूनिट या फिर ये चैप्टर शुद्ध गति की कहीं ना कहीं गति के इंट्रोडक्शन को बताता है और गति के यहाँ पर उसका जो बेसिक फंडामेंटल है उनको क्लियर करता है। ठीक है, शुद्ध गति की नामक चैप्टर में हम लोग गति का परिचय करेंगे कि गति क्या है और कितने प्रकार की ये होती है और कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक जो उसमें डालेंगे, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो अभी नेक्स्ट पार्ट में। आज कोशिश करेंगे कि ऋजु रेखीय पथ पर गति जो पार्ट नंबर फर्स्ट है इसका अध्ययन किया जाए या फिर इसको पढ़ा जाए। तो आप लोग इनमें से नंबर फर्स्ट पार्ट अपनी कॉपी पर हेडिंग डाल लीजिएगा, पार्ट फर्स्ट ऋजु रेखीय पथ पर गति। जी हाँ, सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को गति के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि गति आखिर होती क्या है। आप लोग चल रहे हैं, आप लोग दौड़ रहे हैं, कोई वाहन मोटरसाइकिल चल रही है आगे, तो वो कोई निश्चित दूरी आगे बढ़ती हुई तय करती जाती है। जैसे कि ये मोटरसाइकिल यहाँ से चली इस पॉइंट से और यहाँ तक गई, तो एक निश्चित दूरी तय करी होगी, 5 किलोमीटर या फिर 5000 मीटर कह दूँ, ये एक निश्चित दूरी यहाँ से यहाँ तक तय करी होगी। अब इस स्थान से इस स्थान तक जाने में इसने कुछ ना कुछ समय भी लिया होगा। मान लिया इसने यहाँ पर 1-2 घंटे का समय ले लिया। कितना समय ले लिया? 2 आवर का समय ले लिया। इस दूरी को तय करने में एक मोटरसाइकिल ने 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय ले लिया। तो अब इसकी गति कैसे निकालेंगे? एक समय में कितनी दूरी तय करी? एक समय में, ठीक है, अब 2 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो 1 घंटे में कितने की दूरी तय करेगा? 5/2, ये 5/2 की भाग में लगा देंगे 2.5, ये 2.5 इसकी जो आई है ये किलोमीटर प्रति घंटा में आई है। ये तो किलोमीटर थे और ये घंटा, किलोमीटर के बटे में घंटा गया तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गई? इसकी गति आ गई। तो इसे तो कहते हैं गति।
यानी कि अगर कोई चीज़ आगे बढ़ रही है अपने, या हम ही दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग कुछ समय बाद कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया और मैं सहारनपुर तक पहुँचा, तो मैं सहारनपुर तक थोड़ी देर बाद पहुँच जाऊँगा, तो सहारनपुर तक पहुँचने में कुछ ना कुछ समय लूँगा, ठीक है। तो वो समय मैंने कुछ ना कुछ लिया है। जो अब एक समय में देख लेंगे कि मैंने कितनी दूरी तय करी एक समय में, यहाँ पर वो समय एक घंटा था, कहीं कहीं एक सेकंड में पूछेगा कि एक सेकंड में कितनी दूरी तय करी, इसी प्रकार से एक मिनट में कितनी दूरी तय करी। तो एक समय में कोई भी चीज़ जितनी दूरी तय करती है वही उसकी क्या होती है, गति होती है, उसकी स्पीड होती है, ठीक है। अभी गति के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं लेंगे क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर ही आगे पूरा का पूरा है। अभी केवल इसके बेसिक फंडामेंटल को समझ रहे हैं। चाहो तो आप लोग इन बातों को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब ये बात आपने समझ ली होगी गति का बेसिक चीज़ क्या है। अब रिजुरेखीय पथ पर गति, जो आपका टॉपिक मैंने आज स्टार्ट किया है, इस टॉपिक की पहली चीज़ है कि गति के प्रकार। अब गति कितने प्रकार से जो है वो हो सकती है, कैसे कैसे, ठीक है। सबसे पहले बात करी जाए गति के प्रकार कौन से होंगे। यहां पर जो रिजुरेखीय पथ पर गति का टॉपिक आपने डाला है, इसमें गति के प्रकार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो सबसे पहला प्रकार है वो है एक विमीय गति, एक विमीय गति, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, गति को मोशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ठीक है, तीन प्रकार बताए हैं। पहला एक विमीय गति, गति के तीन प्रकार हैं। एक विमीय प्रकार गति तीन प्रकार से हो सकती है, एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल, इसको 2D भी कहते हैं, 2D, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन। तीसरी जो न प्रकार है गति का, कि तीन प्रकार से गति हो सकती है, पहला एक विमीय, दूसरा द्विविमीय, तीसरा त्रिविमीय, ठीक है, त्रिविमीय गति, यानी कि थ्री डायमेंशनल मोशन, इसको 3D मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D मोशन भी कहते हैं। तीनों प्रकार आप लोगों ने नोट कर लिए, पहला एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति या फिर 2D मोशन, तीसरा त्रिविमीय गति यानी कि 3D मोशन, यानी कि 3D मोशन, 1D, 2D एंड 3D मोशन, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। अब इसमें बारी बारी से समझेंगे कि एक विमीय गति क्या है, द्विविमीय गति क्या है और त्रिविमीय गति क्या है। आपके पेपर में क्या आएगा, आपके पेपर में ये नहीं आएगा कि एक विमीय गति क्या है, आपके पेपर में आएगा कि एक विमीय गति का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो आप लोगों के पास इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग केवल अपनी नोटबुक में ये नोट नहीं बनाएंगे कि एक विमीय गति क्या है, उसको केवल समझेंगे। नोटबुक में क्या नोट करना है वो मैं यहाँ पर लिखवा दूंगा, केवल उसके एग्जाम्पल उदाहरण नोट करने हैं। कैसे? सबसे पहला में मैं टॉपिक देखता हूं एक विमीय गति का, ये नोटबुक में नोट करें एक विमीय गति क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को 1D, 2D एंड 3D के बारे में बता दूं। 1D एक ही डायरेक्शन में गति होती है, किसी भी एक निश्चित दिशा में, जैसे कि यहां से चले और जैसे कि ये यहां पर एक पॉइंट है, से चले सीधा रेखा में यहां पर पहुंच गए, तो ये 1D डायरेक्शन है, केवल एक ही दिशा में गति हो रही है। अगर गति दो दिशाओं में हो बारंबार से, ऊपर भी हो और ऐसे भी हो, ठीक है, तो गति कहलाती है 2D। अगर गति तीन दिशाओं में हो, ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर क्षैतिज और ऐसे आपके सामने, 3D, ठीक है, एक तो ये सामने और एक इधर और एक ऊपर, तो ये 3D मोशन होगा।
अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कैसे होता है ऐसा, ठीक है। अगर जैसे अब इसके एग्जाम्पल कैसे कैसे होते हैं पहले मैं बताऊँ कि 1D डायग्राम, 2D डायग्राम और 3D डायग्राम होता क्या है। 1D मतलब एक सीधी रेखा, एक लाइन को क्या कहते हैं, 1D डायग्राम कहते हैं, ठीक है। अब 2D की बात होती है, 2D वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, 2D वस्तुएं जिनमें दो डायरेक्शन हो, या फिर मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि जिन भी आकृतियों का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, केवल एरिया, वे सभी आकृतियां 2D आकृतियां होती हैं, 2 डायमेंशनल आकृतियां होती हैं। इसी प्रकार से उनकी मोशन भी 2 डायमेंशनल होती है, यानी कि ऐसी गति जो कि क्षेत्रफल तय करती हुई चले वो कौन सी गति हो जाती है, द्विविमीय गति हो जाती है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल में। 3D त्रिविमीय, जो कि 3 डायरेक्शन तय करती चले। अब 3D आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, 3D आकृतियां केवल आप लोगों को सिंपल शब्दों में एक बात याद रखनी है कि 3D आकृतियां वे आकृतियां हैं जिनका आयतन होता है, ठीक है, याद रखना, जिन भी चीजों का आयतन होता है वे 3D चीजें कहलाती हैं, याद रखना। जैसे कि शंकु, बेलन और गोला, खोखला गोला, ठोस गोला, ये सारी की सारी चीजें जिनका भी आयतन है सब 3D डायग्राम है। और 3D डायग्राम को मैं इस बोर्ड पर डेवलप नहीं कर सकता, ठीक। जैसे कि मैंने एक वृत्त बनाया तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो इसको मैं बना सकता हूँ। अगर ये गोला होता तो गोला भी ऐसे ही बनाता बोर्ड पर, लेकिन गोले का कुछ भाग हवा में रह जाता ऊपर ऐसे, तो वो तो नहीं बना पाता, इसलिए 2D इमेज नहीं बन सकते बोर्ड पर, और 2D 3D इमेज सॉरी नहीं बन सकते बोर्ड पर, केवल 2D बना सकता हूँ जिनमें दो दो डायरेक्शन होते हैं। कैसे गोले की दो डायरेक्शन होती हैं देख लीजिए। अगर कोई चीज वृत्ताकार रूप में ऐसे घूम रही है, ऐसे गति कर रही है, तो एक बार उसकी गति ऐसे होगी, एक बार ऐसे, एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से, तो देखिए दो दो डायरेक्शन में गति यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। अभी केंद्र बल भी लग रहा है, तो दो डायरेक्शन में गति हो रही है, तो उसका मतलब वृत्तीय गति कौन सी गति का उदाहरण है, 2D 2 डायमेंशनल गति का यहाँ पर उदाहरण है, याद रखना, ठीक। अब ये सारी मैंने बता दिया आपको। एक वी में गति कौन कौन सी होती है, एक सरल रेखा में गति, एक रेखा में गति जो भी है वो क्या होती है, एक विमीय गति होती है। अब जो एक साथ दो दो डायरेक्शन तय करें, दो दो डायरेक्शन तय करें, ऐसे ऐसे तय करें दो डायरेक्शन, तो वो गति क्या होती है, ऐसे किसी भी दिशा में ऐसे घूमे, ऊपर भी चढ़े और क्षैतिज दूरी भी तय करें, ऊपर भी चढ़े और क्षैतिज दूरी भी तय करें, इसे कहते हैं क्षैतिज, और इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ऐसे ऐसे। तो जो अगर कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल भी जा रही है और साथ में वर्टिकल भी जा रही है और साथ में हॉरिजॉन्टल दूरी भी तय कर रही है, तो गति कौन सी होती है, द्विविमीय गति होती है। अगर कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल भी जा रही है, सॉरी, वर्टिकल भी जा रही है, हॉरिजॉन्टल भी जा रही है, और ये सामने ये वाली दूरी भी तय करे, 3D, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण, इस प्रकार की गति तय करे ऐसे बीच में ऐसे, तो इस गति को कहते हैं 3V में गति, 3D मोशन, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल लिखेंगे फटाफट, एग्जाम्पल लिखेंगे फटाफट। जैसे कि सबसे पहले 1V में गति का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 1 विमीय गति मैंने बता दी कि जब भी गति एक सरल रेखा में होगी ऐसे गति होगी, चाहे वो एक ही दिशा में गति होगी, एक ही दिशा में, चाहे वो ऊपर ऊपर हो, चाहे वो नीचे नीचे हो, ठीक है, चाहे वो सामने सामने हो, ऐसे सामने गति हो, बिल्कुल सामने आपके, तो गति एक ही दिशा में होनी चाहिए। एक एक विमीय का मतलब एक ही दिशा, एक दिशा में गति, एक साथ दो दिशाओं में नहीं, एक ही दिशा में गति का मतलब होता है एक विमीय गति, और वो सरल रेखा के रूप में हो तो ऐसी गति कहलाती है एक विमीय गति। और इसके एग्जाम्पल हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सहारनपुर की ओर चलती है एक बस, मेरठ की ओर जाती है एक बस, एक पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी, ठीक है, एक समतल पर चढ़ता व्यक्ति, तो ये एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होगा पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी,
एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आनत तल पर चढ़ता व्यक्ति। इसके और भी एग्जाम्पल सकते हैं, सल सीधी सड़क पर चलती बस। बस, स्कूटर, कुछ भी जो भी एक दिशा में जा रहा हो, दो डायरेक्शन ना हो, बस एक ही दिशा हो, या तो क्षैतिज हो, या तो फिर वर्टिकल वर्टिकल हो, या फिर सामने ऊर्ध्व आगे हो, या फिर आ पीछे, ठीक है, ये सारी की सारी डायरेक्शन हो, ठीक, केवल एक ही अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, या फिर वाई वाई अक्ष पर, या फिर जेड जेड अक्ष पर गति कर रहा हो, तो वो गति होती है एक विमीय गति, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गति की, जो कि उसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट गति कौन सी है देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार की गति थी नंबर दो, द्विविमीय गति, 2D मोशन कहते हैं, 2D मोशन, ठीक है। कैसी गति? ऐसी गति, ऐस वस्तु जब इस प्रकार से गति करे, जब कोई वस्तु ऐसे गति करे कि वो एक साथ दो डायरेक्शन में जाए, दो डायरेक्शन मतलब ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये जेड अक्ष, कोई भी दो डायरेक्शन में जाए, ठीक है, एक साथ, यानी कि वो एक साथ वर्टिकल भी चले और हॉरिजॉन्टल भी दूरी तय करे, समझ में आ गई बात। ऐसी कैसी दूरी हो सकती है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बना दूँ, वृत्तीय गति, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति करे, यहाँ से स्टार्ट और वापस इसी प्रकार से, तो देखिए ये दोनों प्रकार, देखिए वृत्तीय गति मैं बता दूँ आप लोगों को, अगर ये यहाँ से हुआ शुरू और यहाँ पर चला, इसने आधी दूरी अधवृत्त तय कर लिया, ये कर लिया तय, समझ गए हो आप, तो इसने ऊपर भी हाइट भी तय करी, यहां से जब चढ़ना शुरू हुआ तो ये हाइट भी तय करी इसने, ये वाली हाइट, और साथ में ये त्रिज्या के बराबर ये हॉरिजॉन्टल दूरी भी तय करी, इसने ऊपर भी तय करी हाइट और हॉरिजॉन्टल ये क्षैतिज दूरी भी तय करी, ये वाली दूरी, ये दूरी भी तय करी और हाइट भी तय करी, तो इसने दो डायरेक्शन में एक साथ दूरी तय करी, ऊपर भी और नीचे भी, नीचे कर रहा है ये वाली दूरी तय, ऊपर कर रहा है ये हाइट तय, देखिए यहां से यहां पर चढ़ा भी तो है ऊपर ऐसे, ठीक है, तो हाइट भी तय करी और नीचे भी दूरी तय करी, तो एक साथ दो डायरेक्शन में दूरी तय कर रहा, एक साथ दो दिशाओं में दूरी तय कर रहा है जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही हो, तो वृत्तीय गति किसका एग्जाम्पल हो गया? द्विविमीय गति का एग्जाम्पल हो गया। तो लिख दो कि द्विविमीय गति का एग्जाम्पल कौन सा होता है? वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। दूसरा एग्जाम्पल होता है प्रक्षेप्य गति। किसी गति? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति को कहते हैं इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके दो एग्जाम्पल लिखवा दिए द्विविमीय गति के, 2D मोशन के, एक पहला वृत्तीय गति, दूसरा प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य क्या होता है? प्रक्षेप्य कोई वस्तु होती है यदि, देखिए ये दो डायरेक्शन हो गई, ये क्षैतिज है और दो डायरेक्शन, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, यदि इसको ना तो ऊपर फेंके ना तो नीचे बिल्कुल सीधा फेंके, इन दोनों के बीच में किसी कोई वस्तु यहां पर है, उसको ऐसे फेंक दे, उसको किसी भी कोण से फेंक दे, ना तो 90 डिग्री पर ना 0 डिग्री पर, किसी भी कोण से फेंक दे, तो वस्तु इस प्रकार से गिरेगी, ऐसे वस्तु ऐसे गिरेगी, गिरने का रास्ता ऐसा होगा, तो इस रास्ते को कहते हैं परवलयकार रास्ता, और जो चीज फेंकी जा रही है उसे कहते हैं प्रक्षेप्य, और इसकी गति कहलाती है प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति में भी दो डायरेक्शन में गति होती है, कैसे? जब कोई वस्तु यहां से फेंक दी तो ऐसे पहले ऊपर चढ़ेगी फिर नीचे उतरेगी, ठीक है, तो इसने यहां से यहां तक भी कोई दूरी तय करी होगी, 10 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, कोई ये क्षैतिज दूरी भी तय करी होगी, और इसने कोई ना कोई हाइट भी तय करी होगी, ऊपर भी तो चली, ऊपर हाइट भी तय करी और नीचे ये दूरी भी तय करी, तो दो डायरेक्शन में गति होगी, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, तो इसलिए प्रक्षेप्य गति किसका एग्जाम्पल है? द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है? नंबर थर्ड नंबर कौन सी गति थी? त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, ठीक है ठीक है, त्रिविमीय गति, इसको कहते हैं 3D मोशन। अब 3D मोशन केवल 3D डायग्राम वे होते हैं जिनका आयतन होता है, जिनका आयतन होता है, किसका आयतन होता है, जैसे कि बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और अदर जो चीज जिनमें भी जिनका भी आयतन होता है, वे सारे 3D होते हैं। अब यहां पर बात आती है गैस की, ठीक है, तो गैस का हमेशा क्या होता है, आयतन होता है। तो जो गैस के अणु होते हैं किसी बर्तन में, यदि कोई गैस बंद कर दी, गैस हमेशा बर्तन में रखेंगे, सिलेंडर में, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन और बेलन का हमेशा होता है आयतन। तो गैस इसमें कोई भर रखी है हाइड्रोजन, तो जो गैस के अणु होते हैं, जो गैस के अणु होते हैं, इस गैस में इस प्रकार के अणु हैं मान लिया, तो जो इन अणुओं की गति होती है वो होती है त्रिविमीय गति, क्योंकि वे अणु एक साथ, क्योंकि वे अणु एक साथ तीन डायरेक्शन में गति तय करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अक्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और सम्मुख या फिर पीछे, इस प्रकार से ये दिखाई दे रही होगी आपको गति इस प्रकार से, ठीक समझ में आ गई। वह एक साथ तीनों गति तय करते हैं, किस प्रकार से तय करते होंगे, किस प्रकार से तय करते होंगे, ऐसे तय करते होंगे। देखिए ये गैस का अणु, ये रहा गैस के अणु की गति, ये देखो ऐसे जाती होगी, तो इसने एक साथ देखो ऊपर हाइट भी तय कर ली, ऊपर हाइट भी तय कर ली, नीचे क्षैतिज दूरी भी तय कर ली, और ये सामने भी दूरी तय करता होगा ये वाली। तो त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल गैस के, किसी गैस, किसी बर्तन में बंद गैस के अणुओं की गति क्या होती है, त्रिविमीय गति होती है, ठीक है, याद रखना किसी बर्तन में बंद गैस के अणुओं की गति कौन सी गति होती है, त्रिविमीय गति। तो इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे बर्तन में बंद गैस के अणुओं की गति, किसका एग्जाम्पल है, त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल है, तीन डायरेक्शन में एक साथ, जो तीन डायरेक्शन में दूरी तय करे, ऊपर भी, ऐसे भी, सामने भी या फिर पीछे भी, तो ऐसी गति है त्रिविमीय गति। और केवल एक ही एग्जाम्पल यहां पर लिखा है, बर्तन में बंद गैस के अणुओं की गति, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर के अंदर वो है वेग व चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये अपनी कॉपी पर आप लोग टॉपिक कर लेना, डाल लेना कि वेग व चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि वेग व चाल आखिर क्या है और इनमें क्या अंतर है, कैसे। देखिए वेग और चाल एक ही बात है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको गति बताई थी कि एक सेकेंड में जो भी होता है वो उसकी चाल, गति का मैंने समझाया था आप लोगों को, हलचल होती है उसे तो गति, लेकिन फिर भी मैंने गति की तुलना चाल से कर दी तो वो उचित नहीं था, हालांकि फिर भी हम लोगों ने उससे काम चला लिया। अब हम लोग बताते हैं कि वेग और चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आखिर क्या हैं। उन बातों को पढ़ने से पहले हम लोग आपको बता दें कि वेग व चाल में फर्क क्या है। देखिए एक सेकंड में चली गई दूरी चाल है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक समय में चली गई दूरी चाल है, लेकिन एक समय में चली गई किसी निश्चित दिशा में दूरी उसका वेग है। समझ में आ गई बात, मन जा यह बात आप लोगों को ध्यान से समझ रही है। इसका मतलब क्या है कि दिशा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अगर मैं गति में दिशा ऐड कर दूं, गति के पीछे दिशा भी लगा दूं, तो वो हो जाता है वेग। अगर दिशा नहीं पता कुछ भी तो वो हो जाती है चाल। यानी कि चाल एक सदिश अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है,
ठीक है, फर्क सिर्फ इतना ही है, दोनों चीजें एक ही हैं, मात्रक दोनों के एक ही होते हैं, विमाएं दोनों की सेम होती हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि चाल यहाँ पर अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है। और ज्यादा डिटेल में सदिश एवं अदिश राशियों को पार्ट नंबर सेकंड में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर में सदिश अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बचेगा नहीं। कभी आपके दिमाग में डाउट हो कि कुछ बच जाएगा, कुछ सर कुछ क्वेश्चन छुटवा देंगे, नहीं होगा, सारा सिलेबस कवर होगा। बस हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, हम लोग कुछ टॉपिक बाद में पढ़ाते हैं, कुछ लोग पहले ही करवा देते हैं, बस इतना फर्क है, भरोसा रखिएगा। तो वेग व चाल के बारे में बता दें कि कितना फर्क है, कि केवल दिशा का फर्क है। कैसे? अगर किसी ने कोई दूरी तय करी किसी भी चीज से, मान लिया कहे कि कोई ए कोई बस है, उसकी कह दिया कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या कह दिया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये नहीं पता कि दिशा कौन सी है, पूर्व पश्चिम उत्तर मेरठ की ओर लखनऊ की ओर, कुछ नहीं पता, प्रयागराज की ओर, क्योंकि प्रयागराज के कई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बाराबंकी के लखनऊ के, तो वहाँ का नाम लेना भी जरूरी है। वे कहते हैं कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते, तो कुछ का नाम लेता हूँ, जैसे कि स्टडी विद शिवांशु प्रांजुल सिंह और महिमा यादव, जिनके कमेंट आते रहते हैं, उनके नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, और बस यही 3-4 नाम मेरे याद हैं, बाकी देखते हैं। तो मान लिया प्रांजुल सिंह ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, उनकी गति है, और इसमें कोई दिशा नहीं है, तो ये कहलाएगी उसकी चाल प्रांजुल सिंह की। लेकिन अगर वो कह दिया कि 25 किलोमीटर लखनऊ की ओर, किसकी ओर, लखनऊ की ओर जा रहा है, तो एक निश्चित दिशा भी इसके सामने लगा दी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी लखनऊ की ओर गति है, तो यह कहलाती है उसका वेग। याद रखना, वेग वेलोसिटी होता है और चाल स्पीड होती है। तो स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फर्क है, कि चाल अदिश राशि है, कोई दिशा नहीं, बस 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। अब कह दिया कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वेग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्ट है, इसकी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वे पढ़ लेते हैं फटाफट से। जैसे कि पहली बात क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं, बात नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, बात नंबर फर्स्ट क्या होती है, बात नंबर फर्स्ट कि चाल तथा वेग का अनुपात, चाल तथा वेग का अनुपात सदैव एक से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, इस फैक्ट को समझेंगे। अब इसका गणित बढ़ाएंगे, चाल तथा वेग का रेशियो, इनका अनुपात, चाल बटा वेग, ये बन गया ना, ये सदैव एक से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है। बड़ा और बराबर का निशान ये, कह दिया कि ए बी के से, ए बी से बड़ा है, तो ऐसा निशान लगाऊंगा, ए बी से बड़ा है, फिर या फिर उसके बराबर भी हो सकता है, तो चिन्ह ऐसा बनेगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो चिन्ह ये बनेगा, समझ में आ गया, ए बी से बड़ा हो सकता है या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। तो ऐसे ही इसने कहा कि चाल तथा वेग का अनुपात सदैव एक से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, कैसे, चाल बटा वेग, यानी कि ये चाल और वेग का अनुपात है, एक से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है। ये फैक्ट आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है और याद रखना है। अब क्यों होता है ऐसा, क्योंकि क्योंकि चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और जो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक है, ठीक है, दूरी कैसी राशि है, अदिश, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश, दूरी कैसी राशि है, अदिश, और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश, याद रखना आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब देखिए
चाल और वेग का रेशियो एक से बड़ा बराबर क्यों होता है? देखिए मैं कहूं कि अगर क्यों होता होगा ऐसा, इसका मतलब ऐसा होता होगा कि अगर चाल हमेशा, या तो चाल और अगर चाल और वेग बराबर हो, तो अगर मान लिया चाल भी 25 है और वेग भी 25 है तो इनका अनुपात एक आ जाएगा, ठीक है। या तो चाल और वेग बराबर होंगे तभी एक के बराबर आएगा मामला, या फिर चाल जो है वो हमेशा वेग से बड़ी होगी। जब चाल वेग से बड़ी होगी, मतलब वेग तो 25 है और चाल है 50, तो दो आएगा जो कि एक से बड़ा होगा। चाल 25 है, वेग है 75, तो तीन आएगा जो इनका रेशियो, वो भी क्या होगा, एक से बड़ा होगा। इसका मतलब एक बात स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में चाल वेग से बड़ी होगा, चाल वेग से कभी भी छोटा नहीं होगा। यहां से एक बात निकल के आ गई, अगर वेग की मैं इसमें गुणा कर दूं कि चाल इज ग्रेटर देन किस इक्वल टू किसके वेग, यानी कि चाल हमेशा वेग से या तो बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, ये आ गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वेग क्यों छोटा होता है? क्योंकि विस्थापन छोटा होता है। विस्थापन छोटा होता है तो वेग भी छोटा। दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन से, दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन से, इसलिए चाल बड़ी होगी वेग से। कैसे? देखिए मान लिया कोई वस्तु है, यहां पर दिखा दूं मैं आप लोगों को, कोई वस्तु है, यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर गई, फिर इस बिंदु से स्टार्ट हुई, यहां पर गई और यहां से वापस यहां पर जाकर के रुक गई। ए से गई बी पर, बी से गई सी पर, तो यहां पर 5 मीटर दूरी तय करी, यहां पर 7 मीटर दूरी तय करी, ठीक है। यहां पर 5 मीटर दूरी तय करी, यहां पर 7 मीटर दूरी तय करी, या फिर कह दूं कि यहां पर करी उसने 4 मीटर दूरी तय, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर चार कह, मान लिया 4 मीटर दूरी तय करी और ये करी 3 मीटर दूरी, ऐसा बना लिया कि इससे कि पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और अब इसने टोटल दूरी अगर की बात करूं तो 7 मीटर की तय करी, 4 और 3 7। अगर मैं इसका विस्थापन काउंट करूं, विस्थापन होती है कम से कम दूरी, कम से कम दूरी और उसकी दिशा। विस्थापन सदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है। दूरी केवल प्लस काउंट करते चले जाएंगे, उसकी कोई दिशा नहीं होगी, विस्थापन की हमेशा दिशा होगी और दिशा जिसकी होती है वह छोटी से छोटे काउंट करेंगे। विस्थापन मतलब वह छोटी से छोटी दूरी जिसकी कोई दिशा हो। अब छोटी से छोटी दूरी ए तक सीधा पहुंचने में एक तो रास्ता ये है, एक सीधा रास्ता ये है, तो जो सबसे छोटी दूरी होगी उसको लेंगे। सबसे छोटी दूरी तो ये पड़ेगी ना ए से डायरेक्ट सी पर, तो ये तो कितनी होगी, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जोड़ दो, 16 और 9 25 25 का रूट 5, ये आ जाएगी 5। तो विस्थापन कितना होगा, 5 होगा। विस्थापन कितना होगा, 5 होगा। दूरी कितनी निकल के आई, 4 और 3 7, दूरी आई 7 निकल के। तो दूरी बड़ी है हमेशा विस्थापन से, दूरी बड़ी है हमेशा विस्थापन से। जब दूरी बड़ी है विस्थापन से तो यहां पर क्या होगा, चाल भी बड़ा होगा हमेशा किससे, वेग से। चाल भी बड़ा होगा किससे, वेग से। और जब चाल बड़ा होगा वेग से तो चाल और वेग का अनुपात भी बड़ा होगा हमेशा किससे, एक से। क्योंकि अगर चाल बड़ा होगा वेग से, कि चाल का मान 50, वेग का मान 25, तो एक से बड़ा मान आएगा। चाल का मान 75, वेग का मान 25, तो एक से बड़ा मान आएगा। अगर दोनों बराबर हो गए, हो सकते हैं, तो मान आएगा एक के बराबर। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि चाल वेग के, वेग से हमेशा बड़ी होती है या फिर उसके बराबर होती है, क्योंकि विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है, या फिर दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। और दूरी किसके फॉर्मूले में आता है, चाल के फॉर्मूले में आता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना कि हमेशा चाल तथा वेग का अनुपात सदैव एक से बड़ा या फिर उसके बराबर होता है, क्योंकि विस्थापन हमेशा दूरी से या तो छोटा रहेगा या फिर उसके बराबर रहेगा। इसलिए चाल वेग जो है हमेशा छोटा रहेगा चाल से या फिर उसके बराबर रहेगा, तो रेशियो भी एक से बड़ा या बराबर आएगा चाल और वेग का। अगर वेग और चाल की बात करूं उल्टे की, तो वो एक से छोटा या बराबर हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात, चलिए वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, वीडियो को करते हैं अब एंड। और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें, मैंने एक बात बता दी है आपको, दो और बात बताऊंगा
नेक्स्ट वीडियो में कि वे कौन सी ऐसी चाल और वेग किससे किससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है और जो आपके पेपर में आ सकती हैं किसी न किसी रूप में, या तो वो आंगिक प्रश्नों के रूप में या फिर वो फैक्ट के रूप में। ठीक है, तो जरूर यू पी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जरूर यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैंने एक चैप्टर करवा दिया है तो आप लोग किसी भी बुक से सोल्व करके देख सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे, ये मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर हो चुका है अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दो, बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, बार बार नहीं कहूँगा। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि छोटा चैनल अभी है, सपोर्ट करें। वीडियो रेगुलर क्यों नहीं आती है बता दूं कि आप लोगों को, क्योंकि वीडियो रेगुलर आने में अभी हमारे पास इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, जल्दी हम उस पर काम कर रही है हमारी टीम, जल्दी हमारे पास नेटवर्क प्रॉब्लम हम सोल्व कर लेंगे और फिर फटाफट से वीडियो आएंगी डेली। इतना जरूर है कि पेपर से पहले हम लोग सिलेबस पूरा कवर करेंगे और बड़े आराम से कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में अपने, सब्सक्राइब भी कर दें, कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होता। डिस्क्रिप्शन वीडियो का जरूर चेक करें, अगर हमारे बारे में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, हम अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, इसकी अगली बात अगली वीडियो में आएंगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।